है वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आप लोग मुंबई सीरीज के और एक नए दिन और एक नई जगह पे। और दोस्तों आज का वीडियो काफी सही है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आया है प्लेन। हर किसी का सपना होता है प्लेन में बैठना होता है, लेकिन जा नहीं पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि जाने आने का जो खर्चा होता है वो भरेगा कौन? विदाउट काम तो हम लोग प्लेन में जाते नहीं। और हम लोग है मिडिल क्लास फैमिली से, मैं भी आज तक कभी प्लेन में बैठा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैं लेके आया हूँ जहाँ पे आज हम बैठने वाले प्लेन में। देख सकते हो मेरे पीछे पूरा का पूरा प्लेन तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिखाने के लिए बुक किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम आए हुए हैं विनेगांव करके एक लोकेशन है खोपोली रोड पे, मतलब ये जो पुणे रोड है, मुंबई पुणे रोड है, उसके ऊपर है। यहाँ पे कैसे आना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पनवेल स्टेशन उतरना है, पनवेल स्टेशन उतरने के बाद आपको खोपोली की जो बस है ना, बस डिपो के पास आपको मिल जाएगी, या फिर शेयर टैक्सी होती है वो भी मिल जाती है। अगर आप डायरेक्ट बस पकड़ते हो तो 58 नंबर बस है NMMT की, वो आपको 35 रुपीज़ में यहाँ पे छोड़ देती है। अगर आप 49 नंबर बस पकड़ते हो तो वो करजत तक है, वो आपको चौक करके यहाँ का एक मतलब मेन लोकेशन है वहाँ पे छोड़ देती है। वहाँ से 20 रुपीज़ रिक्शा पर पर्सन आपको यहाँ पे छोड़ देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आने का जो आपका कॉस्टिंग हो गया वो अराउंड पकड़ के चले 60-70 रुपया हो जाता है आपको यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। और ये प्लेन यहाँ पे बनाया गया है, आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो, घूम सकते हो, एवरीडे आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ के जो चार्जेस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। वो अंकल से बात करेंगे फिर आपको जो है वो बताएंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे प्लेन में, प्लेन हमारा इंतजार कर रहा है। अभी एयर होस्टेस तो नहीं है प्लेन में, वो बात अलग है, हम लोग देख लेंगे कुछ तो जुगाड़ कर लेंगे। आ जाओ देख रहे हो, ये सब भी आप कर सकते हैं। ये डोर बंद रहता है, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा डोर है, ये हम लोग ने ऐसे किया बंद। और ये एक्चुअल में ओरिजिनल प्लेन है, ये डुप्लीकेट नहीं, आप देख सकते हो। देखो मैंने पीछे खींचा, ये हो गया बंद, ऐसे ही बंद आपको दिखाई देगा। फिर ये आपको अंदर ढकलना है, अंदर ढकलोगे मतलब अंदर की ओर करना है, फिर आप खोलोगे, हम आ गए हमारे प्लेन में। अरे पैसेंजर पहले से ही है प्लेन के अंदर। चलो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो सीट्स होते हैं ना, जो हमारे एयर होस्टेस वगैरह होते हैं उनके लिए ये सीट्स होते हैं। यहाँ पे केबिन भी है, तुम्हारा भाई आज प्लेन उड़ाएगा बिना दारू पिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं। यात्री एक रुपया ध्यान दे, खोपोली से उड़ने वाला जो प्लेन है वो डायरेक्टली जाके रुकेगा 1 मिलियन पे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। तो आज हम हमारे प्लेन में आ चुके हैं और ये देखिए, ये रहा हमारा बिजनेस क्लास जिसके अंदर हम लोग बैठे, और पूरा का पूरा तुम्हारे भाई ने प्लेन जो है वो बुक किया है। और सेकंड थिंग ये देखिए, अगर आपको मुंबई में रहते हो, अगर लाइफ में कभी प्लेन में नहीं बैठे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और इस प्लेन की खास बात ये है कि इस प्लेन में कई सारे शूट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से अभी एंट्री किया था, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेन केबिन है, उसके वहां पर हम लोग लास्ट में जाएंगे, क्योंकि प्लेन उड़ाएंगे, बचे बीचे नहीं बचे क्या मालूम तुम्हारा भाई पहली बार प्लेन उड़ाएगा इसके लिए। पर ये देखिए यहाँ पे जो विंडोज वगैरह रहते ना, सब कुछ आपको दिया हुआ, ये देखिए मन करे भाई लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। इस प्लेन की खास बात ये है कि इसमें तिस्मार खान, MS धोनी ऐसे बड़े बड़े पिक्चर्स के शूटिंग हो चुके हैं। टोटल 33 मूवीज के शूटिंग इसमें हो चुके हैं, मूवी सीरियल सब पकड़ के, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना फेमस है, लेकिन ज्यादातर ये मतलब बहुत सारे मैंने वीडियो देखे थे तो कोई अच्छे से यहाँ पे आने का बता नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा भाई बता रहा है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि आप लोग यहाँ पे आ पाए, ठीक है। तो ये होने के बाद हम आते हैं हमारे गरीब लोगों के पास, यानी इकोनॉमिक क्लास। गरीब लोगों का नहीं रहता है, आई नो अभी लोग मेरे को गाली देंगे जो प्लेन में बैठे वो, लेकिन ये इकोनॉमिक क्लास जो है वो हमें अफोर्डेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे 3-3 लोगों को है। और ये देखिए ये जो रहता है ना, ये देखिए ये खाने पीने का रहता है, ये ऐसा करो खाना लेके आएगी। कब आ रहा है हमारा, मतलब 100 रुपया दिया है, 100 रुपये में खाना पीना कुछ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग मतलब खाना खाएंगे। और जो करते ना काम, यस 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 हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगा के वो फालतूगिरी रहता है वो छोड़ दो। तो पूरा का पूरा प्लेन है देखो वहां तक है। चलिए अभी हम लोग वहां पे उस कॉर्नर में चलते हैं और बताते हैं वहां पे क्या है, ठीक है चलो। सो अभी हम लोग कॉर्नर में आ चुके हैं, और कॉर्नर में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट दिया गया है। तो ये काफी बड़ा वाला प्लेन नहीं है, लेकिन डिसेंट साइज का प्लेन है। और यहाँ पे लिखा है क्रू ओनली, तो जो क्रू रहता है ना, केबिन क्रू वगैरह रहते हैं वो लोगों के लिए। और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे आके देख सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मतलब तीन रूट दिए गए यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए ये सब टूटा फूटा है, लेकिन जब शूटिंग रहता है ना, शूटिंग के टाइम पे ये सब कुछ जो है वो नया किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे आपको
सामान रखने के लिए जो स्पेस होता है वो देख सकते हो आप यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो प्लेन है ना, ये लाया गया था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक रिसोर्ट बनाया गया था उस टाइम पे, ये प्लेन लाया गया था और मतलब मेन अट्रैक्शन करने के लिए ये प्लेन बनाया गया था। लेकिन समहाउ कि मतलब जो बोलते हैं ना, बिजनेस प्लान थोड़ा फ्लॉप हो गया और ये जो प्लेन है वो अभी ये जो जगह है वो खंडर हो चुके है। लेकिन प्लेन जो है वो अच्छा है, जहाँ पे आप आ सकते हो और यहाँ पे आप आओ सो आपको सिटकी पड़ी रहती है ना, मैं पूरा का पूरा प्लेन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप प्री वेडिंग कर सकते हो, आपको शादी का कुछ करना है, शूटिंग करना है, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो, वो भी ऑफिशियली, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो यहाँ पे कैसे आना है मैंने बता दिया है। तो अभी तुम्हारा भाई चलेगा प्लेन उड़ाने के लिए, तब तक आप ये वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं प्लेन उड़ा रहे हैं। पर हमारी एयर होस्टेस कहाँ पे वो ढूंढ रहे हैं, हम लोग अभी तक मिली नहीं है, लेकिन चलो ढूंढते हैं उसको। चलो अभी तुम्हारा भाई उड़ाएगा प्लेन, प्लेन उड़ाएगा ना भाई। आ जाओ किधर है स्टीयरिंग, किधर है, रुको मैं जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ की खास बात क्या है मालूम है आपको, कि ये सब पुट्टे के लगाए हुए मतलब ये पहला ओरिजिनल थे लेकिन अभी पुट्टे के लगाए हुए है। यहाँ पे बटन दिया है, वो डायलॉग है, देखिए कौन सा अभी मूवी मुझे याद नहीं आ रहा है, गोलमाल है या कौन सा है मालूम नहीं, धमाल, उसमें आपको लाल बटन दिख रहे हैं, दबा दिया दबा दिया दबा दिया, नहीं दबाना था, प्लेन रुक गया। एक मिनट वो छोड़ो, ये देखिए ये जो फीलिंग है ना वो सब लाइफ में लेने चाहते हैं। ये देखो टेक ऑफ के लिए सेट टेक ऑफ, और यहाँ पे मीटर वगैरह दिए हुए लेकिन उसके फोटो लगाए, मतलब आप समझ सकते हो कितने लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। और ये देखिए ये बटन थे वहां पे, जिसका मैंने वीडियो देख के आया था ना, मैं उनके इसमें ये बटन था, ये लाल बटन, ये हरा बटन, और ये जूप ऊपर, सही है, ये कुछ ना कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो आके आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। और ये देखिए ये दोनों का ना एक साथ है, मतलब दोनों जो दिखाते ना दो जन ऐसे खींचते बनाते हैं भाई एक ही जगह से दिया हुआ है ये क्या फालतू गिरे। और ये देखिए ये शायद से फोन का स्टैंड है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे फोन रख सकते हैं तो भाई आगे पीछे होता है, मेरे को लगा कुछ हो गया कि क्या तो ये सब सही है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बाहर चलते, बाहर से आपको दिखाता हूँ, तब तक ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सिनेमेटिक व्यू में आपको पूरा प्लेन दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो तुम्हारा भाई अभी उड़ाने जा रहा है, किधर उतर रहा है बोलो बोलो, दुबई बैंकॉक किधर जाना है, किधर जाना है, रुको 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 दोस्तों रुको, अभी हम लोग प्लेन का बाहर से आपको व्यू दिखाने वाले थे लेकिन हम लोग फर्स्ट क्लास में आ चुके हैं फिर से रिटर्न, क्योंकि ऐसे हम लोग पहली बार आए प्लेन में, ठीक है, तो हमको भी मालूम नहीं था। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास वालों को ना काफी सही सही चीजें दी गई, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया, ये आप रख के यहाँ पे खाना खा सकते हो, आपको खाना नहीं खाना है, पानी वगैरह कुछ ग्लास बॉटल वगैरह रखना है तो चाय कॉफी वगैरह जो आता है वो यहाँ पे रख सकते हो। तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे क्या है क्या है, और भी काफी सारे बटन है यहाँ पे लेकिन वो चालू नहीं है अभी, ठीक है। तो प्लेन में अगर आपने कभी फर्स्ट क्लास से ट्रेवल किया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो यही है हमारा ये एब्डोनेड प्लेन जो है हमारे खोपोली में, ठीक है। तो अभी चलते हम बाहर, मिलते आपको बाहर, बाहर से प्लेन का व्यू बताते आपको। ये चलो भाई अंदर, चलो पार्टी अंदर डालो पार्टी बैकेट भर ले लिया अपन, आता बाहर जाओ अपन चला। अभी हम लोग प्लेन के बाहर आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको प्लेन का पूरा व्यू दिखाया, प्लेन काफी बड़ा और आजू बाजू में काफी मतलब जो स्पेस है वहां पे दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे फोटोशूट करने आते हो तो ऑफिशियली फोटोशूट भी यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मूवी सीरियल्स के फोटोशूट यहाँ पे हो चुके, प्लस प्री वेडिंग के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं, वो हमें यहाँ पे आने के बाद पता चला। तो अभी मैं बता देता हूँ इस प्लेन के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था कि यहाँ पे एक रिसोर्ट ओपन किया था, उस रिसोर्ट के साइड में ये मेन अट्रैक्शन एज ए ये प्लेन यहाँ पे मतलब मंगाया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ जो रिसोर्ट था वो बंद हो चुका है अभी, मतलब वो जो उनके ओनर थे उनका कुछ तो हुआ होगा, तो उसके वजह से जो ये प्लेन है ये ऐसे ही खंडर बना पड़ा है, और जो रिसोर्ट है वो तो गायब ही हो चुका है। वहाँ पे आप जब भी यहाँ पे एंट्री करोगे ना तो एंट्री आपको दिख जाएगी उसकी, उसके आगे ये प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, पर यहाँ पे अलग अलग आपको प्राइसिंग देखने मिल जाएगी, जैसे कि मतलब आप फोटोशूट के लिए आ रहे हो, प्री वेडिंग के लिए आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्राइसिंग है वो बताई जाएगी यहाँ पे। आप जब यहाँ पे विजिट करोगे तो यहाँ के जो केयर टेकर है ना वो वहाँ पे ही रहते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तीन जन आए थे तो हमारे 400 रुपये लिए गए,
आप कौन से इंटेंशन से आते हो, आप कैमरा वगैरह लेके आते हो, तो उसके चार्जेस आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, ये बात यहाँ पे रखना। लेकिन मिनिमम आपको मतलब जो बहुत सारे वीडियोज़ में बताया ना कि 100 रुपया पे करके आपको आना है, वो सब झूठ है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और एक नए दिन और एक नई जगह पे इसी जज्बे के साथ। और आपको ये हमारा एब्डोनेट प्लेन जो है खोपोली का, वो कैसे लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तो आपके भाई ने आपके लिए इतना बड़ा प्लेन मंगाया था, आप आए नहीं, हम लोग अकेले आए, क्या बात हुई, पैसा बर्बाद। चलो